तो गलती से यार इंडियन बाइक ड्रोन 3D गेम में क्रोकोडाइल आ जाता है और वो फ्रैंकलिन के ऊपर अटैक भी कर देता है गाइस। तो आज तो मैं गाइस बैठे बैठे बोर हो गया हूँ, तो चलते हैं समुद्र के किनारे, वहाँ पे फिशिंग करेंगे, मछलियाँ उछलियाँ पकड़ेंगे गाइस। तो ओके गाइस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये थोड़ा पानी कम हो गया है। चलो कोई बात नहीं, खैर यहाँ पे चलो हम लोग मछलियाँ पकड़ते हैं। गाइस आप यकीन तो नहीं करोगे, मुझे मछली तो वहाँ पे एक भी नहीं मिली, लेकिन मुझे वहाँ पे एक छोटा सा बेबी का क्रोकोडाइल मिला है। यार ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है और मैं इसे घर पे भी लेके आया। ऐसा क्यों लग रहा है गाइस कि इसे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है। और यार मुझे ये बहुत ही अधमरी हालत में मिला था, मुझे इसके लिए जल्दी से खाने का इंतज़ाम करना होगा। तो चलो चलते गाइस। तो यार गाइस मैं अभी जुरासिक पार्क में आ चुका हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक डायनासोर को मारना पड़ेगा और उसका जो मांस है ना इस अपने क्रोकोडाइल बेबी को खिलाना पड़ेगा गाइस। क्योंकि जो क्रोकोडाइल होता ना गाइस वो तो मांसाहारी होता ना, वो मांस ही खाता है गाइस। एक मिनट, तो सामने मुझे वेलोसिराप्टर दिखता है गाइस, इसे मारते हैं। तो गाइस मुझे जल्दी से पहले स्लो मोशन करना पड़ेगा क्योंकि एम लेने में दिक्कत आती है। तो जल्दी से गन निकाल फ्रैंक, तो इसके मुंह पे सीधा एम करते हैं और गन से मार दे गाइस। एक बुलेट, दो, तीन, अबे भाई कम मरेगा यार। ओ फाइनली यार मर गया, लेट्स गो। तो चलते यार गाइस का फटाफट से मीट लेते हैं और जल्दी से बेबी के पास चलते हैं। तो गाइस हमने वेलोसिराप्टर का मीट तो ले लिया है और मुझे जितना जरूरत था मैंने उतना ही लिया है गाइस, बाकी बाद में देख ले जा सकता हूँ एक साथ में। तो ऑल राइट गाइस मैं घर पे आ चुका हूँ, बेबी क्रोकोडाइल। और ये देखो गाइस ये कितने मजे से खा रहा है, मांस का टुकड़ा मैंने इसके सामने रख दिया भाई और कितने आराम से ये खा रहा है यार। भाई इसके तो मजे आ गए यार, कैसे देखो आराम से चटकारे लेते हुए खा रहा है ये। यार ये इतना ज्यादा क्यूट है ना, मैं तो इसको पालने वाला हूँ, मैं अपने घर पे इसको बड़ा करूंगा भाई। इसको पालते पालते एक साल हो गया भाई, ये काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। ये देखो अब तो भाई मैं इसको खाना भी नहीं खिला पाता यार, इसकी खुराक बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है यार। मैं इसको ज्यादा दिन रख नहीं पाऊंगा, एक काम करता हूँ मैं समुद्र के किनारे इसको वापस से छोड़ के आता हूँ। उसके लिए ना गाइज मुझे एक ट्रक लाना पड़ेगा और उस किनारे पे छोड़ दूंगा। जो ट्रक ना गाइज वो एयरपोर्ट पे मैंने लास्ट टाइम देखा था, ये वहीं पे पड़ा हुआ था। क्रोकोडाइल को मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ गाइज क्योंकि मैं इसे खाना तो खिला नहीं पा रहा हूँ और ये और बड़ा होकर आसपास के इंसानों पे हमला ना कर दे गाइज। तो हमको ट्रक तो मिल चुका है गाइज और इसको जल्दी से फटाफट से लोड करेंगे अपने घर से गाइज और इसको समुद्र किनारे छोड़ कर आएंगे। तो चलो क्रोकोडाइल अपना साथ तो यहीं तक था, अब तो तुम अपने दुनिया में वापस जा सकते हो, इतना बड़ा समुद्र तुम्हारे पास है। अब यार नहीं चलेगा, अब तुम्हें जाना पड़ेगा, प्लीज यहाँ से तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं पाल सकता, ना ही मेरे पास खाना है ना ही मेरे पास रखने के लिए जगह है। तो ऑल राइट गाइस इनको छोड़े हुए एक साल हो गया है, तो चलो गाइस जल्दी चलते वॉकिंग करने, मुझे काफी ज्यादा दिन हो चुके हैं। काश मुझे यार मेरा क्रोकोडाइल वापस मिल जाता यार। अरे क्रोकोडाइल तुम यहाँ पर, अरे तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो क्या, मैंने तुम्हें तो पाला था यार। अरे अरे भाई, और फ्रैंकलिन को उसका क्रोकोडाइल उसके बहुत जोर से मारता है और फ्रैंकलिन बेहोश हो जाता है और कुछ टाइम बाद उसका क्रोकोडाइल फ्रैंकलिन को ही चबा चबा कर खा लेता है गाइस। तो इसलिए कहते हैं गाइस कि किसी भी अनजान चीज को अपने घर में नहीं लाना चाहिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो शेयर और देना गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब